यमुना के पानी से दिल्ली का राजघाट पूरी तरीके से जलमग्न, गर्दन तक भरा पानी, मेन ऑफिस भी पानी में डूबा। झील में तब्दील हुआ दिल्ली का राजघाट, हर तरफ 6 से 7 फीट से ज्यादा पानी, मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के राजघाट इलाके में बाढ़, यमुना का जलस्तर बढ़ने के से राजघाट डूबा। बाढ़ के पानी के बीच राजघाट पर लुत्फ उठाते दिखे परिवार के साथ कई लोग, सेल्फी लेने के साथ साथ चाट पकौड़े के ठेले भी नजर आए। लाल किले की बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, ड्रोन तस्वीरों में पानी में डूबा दिखा लाल किला। दिल्ली में ड्रोन से दिखी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर, लोहा पुल समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। यमुना के पानी से दिल्ली के निचले इलाकों में बने झील, बेला रोड समेत कई इलाकों में नाव बना लोगों का सहारा। यमुना बाजार इलाका बाढ़ में पूरी तरीके से डूबा, अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाते नजर आए लोग। दिल्ली में रिंग रोड पर पानी का कब्जा, हर तरफ समंदर जैसा नजारा। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में पानी में डूबी गाड़ियां, घरों में भरा पानी। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में जगह जगह जल भराव, यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के बाद हालात खराब। राजधानी में बाढ़ के कहर के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी, दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में देर रात एनडीआरएफ के जवानों ने एक बुजुर्ग का किया रेस्क्यू। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य जारी, जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गढ़ी गांव, उस्मानपुर गांव और सोनिया विहार में किया रेस्क्यू, अब तक 900 से अधिक लोगों को बचाया गया। दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए सेना के इंजीनियरों ने संभाला मोर्चा, जल बोर्ड के रेगुलेटर को ठीक करने के लिए लगी सेना की कोर टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना बैराज के 5 गेट खोलने के काम का किया निरीक्षण, यमुना बैराज के 32 में से 5 गेट बंद हैं। यमुना बैराज से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आईटीओ का लिया जायजा, कहा हर जगह अलग अलग वजह से आया पानी। दिल्ली के आईटीओ में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज में तकरार, उपराज्यपाल ने बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर पलटवार, कहा आपातकाल के हालात में भी बीजेपी राजनीति कर रही है। गाजियाबाद के अलीपुर गांव में बांध टूटने के बाद लगातार फैल रहा है पानी, ट्रोनिका सिटी क्षेत्र तक पहुंचा पानी, बांध बनाने का काम जारी। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी तक पहुंचा यमुना का पानी, बड़े मॉल के अंदर दिखा वाटरफॉल सा नजारा। नोएडा के वजीदपुर गांव के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी, 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं निकाले जा सके हैं 200 से ज्यादा मवेशी। नोएडा सेक्टर 135 के खादर क्षेत्र के गौशाला में फंसी गायों का किया जा रहा है रेस्क्यू, अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में अलीपुर बांध टूटने से बड़ी मुश्किल, हर तरफ नजर आया पानी ही पानी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अलीपुर में टूटे बांध के बाद बिगड़े हालात का जायजा लिया, सभी शासनिक अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया। नोएडा के सेक्टर 135 के कई हिस्सों में भरा पानी, पानी में डूबे घर और खेत, लोगों के सामने भारी मुसीबत। बाढ़ में बचाव कार्य के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का दावा, 75,000 पर्यटकों में से 90% पर्यटकों को बचाया गया, कसोल और तीर्थन पार्टी में फंसे पर्यटक भी सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश से हुआ काफी नुकसान, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा, आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का किया आकलन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और बाढ़ में फंसे पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू, बचाव कार्य जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, नुकसान का मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचाने का दावा भी किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, पंजाब सरकार पर लगाया आपदा के समय संवेदनहीनता का आरोप। पंजाब के पटियाला में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी जयिंदर कौर और मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा के बीच तीखी बहस, नाव की मांग नहीं पूरी होने पर तकरार हुई। उत्तराखंड के लक्सर के कई गांवों के रास्तों में पानी ने जमाया डेरा, लोगों को आवाजाही में परेशानी। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 16 जुलाई तक जारी रहेगी बारिश, प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट, बारिश की वजह से अब तक 400 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत, टूटी सड़क और दर के पहाड़ों से फेडिस पुल और गुम्मा के बीच का रास्ता बंद। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के बीच जिलों में बिगड़े हालात, हरिद्वार के लक्सर में राहत और बचाव के काम के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात की गई, क्विक रिस्पॉन्स टीम ने एक परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा। टिहरी में बद्रीनाथ से हरिद्वार आ रही बस पलटी, हादसे के समय बस में सवार थे 19 मुसाफिर, एक यात्री को लगी मामूली चोट, NH 58 पर कोडियाला के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड के विकासनगर में सामने आया पहाड़ी दरकने का वीडियो, देखते ही देखते पूरी रोड मलबे में तब्दील।
बारिश और भूस्खलन होने से जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में अलीपुर तटबंध की मरम्मत का काम जारी। यूपी के मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, मथुरा में भी अब यमुना दिखाने लगी अपना रौद्र रूप। यूपी के बागपत में बारिश का कहर, बाढ़ आने से कई गांव डूबे। यूपी के बिजनौर में नदी में डूबी मैजिक वैन, गाड़ी में सवार चार लोगों की हुई मौत। यूपी के मुरादाबाद में भोलेनाथ कॉलोनी में भीषण जलभराव। चंद घंटों की बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल, बिहार विधानसभा परिसर में जगह जगह जलजमाव। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। असम में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, नदी के किनारे वाले इलाकों में घुस गया है बाढ़ का पानी।